हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सॉल्यूशन नंबर 60 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 60 का ए पार्ट हमें कह रहा है, मोहन विजय एंड अनिल आर पार्टनर, देयर कैपिटल बीइंग ₹30,000, ₹25,000 एंड ₹20,000 रेस्पेक्टिवली। इन अराइविंग एट दिस फिगर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ₹24,000 हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर इन द प्रोपोर्शन इन विच दे शेयर प्रॉफिट। देयर ड्राइंग वर ₹5,000, मोहन विजय की ड्राइंग बता रखी है ₹4,000 एंड अनिल की ड्राइंग है ₹3,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशन वर नोटिस एंड इट वर डिसाइडेड टू ब्रिंग देम इनटू अकाउंट। यहाँ पे दो पॉइंट बता रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मोहन ₹250, विजय ₹200 एंड अनिल ₹150। क्योंकि क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि मोहन विजय और अनिल तीन पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल बता रखी है 30,000, 25,000 और 20,000 है। अब इसके आगे सेंटेंस में बता रखा है कि जो प्रॉफिट था ना ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का ₹24,000, वो ऑलरेडी क्रेडिट हो गया है पार्टनर को। किस प्रोपोर्शन पे वो हुआ है, जिस पे वो एग्री करेंगे प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। हालांकि क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं है कि किस रेशियो पे उन्होंने एग्री किया है, तो आप इक्वली लेके चलेगा कि उन्होंने प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। आगे ड्राइंग बता रखी है मोहन की, विजय की और अनिल की, 31 मार्च 2021 ईयर एंडिंग है। अब यहाँ पे ये नोटिस किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कैलकुलेट ही नहीं किया गया, इसको कैलकुलेट किए बिना ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो अब आपको एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी होगी। तो एडजस्टिंग एंट्री पास करने से पहले आपको ओपनिंग कैपिटल पता होना चाहिए। तो ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है उसमें से आप क्या कीजिएगा, उसमें से माइनस कीजिएगा प्रॉफिट और ऐड कर दीजिएगा क्या, ऐड कर दीजिएगा आप ड्राइंग। तो हम अब इस तरीके से कैलकुलेशन होगी ओपनिंग कैपिटल की। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कीजिए कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 की जो कैपिटल है मोहित विजय और अनिल की, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 30,000 मोहित की है, विजय की 25,000 है, अनिल की 20,000 है। इसमें आपको लेस करना होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना गिवन था, प्रॉफिट ₹24,000 गिवन था। यहाँ पे कोई आपको गिवन नहीं है कि किस रेशो में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मानेंगे। 8,000 मोहित का होगा, विजय का भी 8,000 प्रॉफिट होगा, अनिल का भी 8,000 प्रॉफिट होगा। ये हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल पता करनी है। तो कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल में से लेस करना होता है हमें प्रॉफिट। माइनस करने पे आपके पास मोहित के कॉलम में 22,000 आएगा, विजय के कॉलम में 19,000 आएगा और अनिल के कॉलम में ₹12,000 आएगा। अब इसमें ऐड कर दीजिए ड्राइंग, ये भी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। मोहित की ड्राइंग ₹5,000 है, विजय की ₹4,000 है, अनिल की ₹3,000 है। अब यहाँ पे आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, मोहित की जो ओपनिंग कैपिटल है वो ₹27,000 है, विजय की ओपनिंग कैपिटल ₹21,000 है, अनिल की ओपनिंग कैपिटल ₹15,000 है। ये तो अब हमने ओपनिंग कैपिटल निकाला, क्यों पता किया, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसलिए ओपनिंग कैपिटल का पता होना जरूरी था। अब एक और फॉर्मेट बनाइएगा, पर्टिकुलर तीनों पार्टनर्स के नाम और टोटल का कॉलम बनाइएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि दिया नहीं गया, अब दिया जाएगा 10% के रेट पर दिया जाना चाहिए था। मोहन का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 27,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे, 2700 होगा। विजय का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 2100 होगा, अनिल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500 होगा, टोटल हो जाएगा 6300। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो कि फर्म के लिए एक तरीके से एक्सपेंस है, जो फर्म को पे करना चाहिए था जो कि पे नहीं किया गया था, तो अब हम इसको पे करेंगे। और साथ के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन था, जो कि बिजनेस को चार्ज करना था पार्टनर से, ये भी चार्ज नहीं किया गया था। तो यहाँ पे आप लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको फिर वो टोटल अमाउंट पता हो चल जाएगा जो कि फर्म को पे करना चाहिए था, किसको, पार्टनर्स को। तो यहाँ पे लेस कीजिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मोहन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 250 है, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में गिवन है उसको ही देख के हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। विजय का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹200 है और अनिल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹150 है, टोटल हो जाएगा ₹600। अब यहाँ पे बैलेंस आपका आपके पास आ जाएगा। बैलेंस में आपको यहाँ पे क्या मेंशन करना है, क्रेडिट मेंशन करना है। क्रेडिट क्यों मेंशन करना है, देखिए क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, जिसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस किया है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लेस किस लिए किया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए एक तरीके से कह लीजिए आप इनकम है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो यहाँ पे अब टोटल वो बैलेंस आ जाएगा जो कि फर्म को पे करना है, मतलब कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे माइनस करने पे मोहन के कॉलम में 2450 आएगा, विजय के कॉलम में 1900 आएगा, अनिल के कॉलम में माइनस करने पे 1350 आएगा और टोटल में आएगा 5700।
अब इस 5700 रुपीस फर्म को पे करने चाहिए थे पार्टनर्स को, जो कि पे नहीं किए गए, तो अब ये पे किए जाएंगे तो ये फर्म के लिए एक तरीके से लॉस हो गया। लॉस हो गया तो ये डेबिट मेंशन कीजिएगा आप यहाँ पे। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 5700 रुपीस को, तो 1900 मोहन के कॉलम में आएगा, विजय के कॉलम में भी 1900 आएगा और अनिल के कॉलम में भी 1900 आएगा। अब यहाँ पर नेट इफेक्ट आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे हमारी मोहन के कॉलम में हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितने से ज्यादा है 550 रुपीज से, तो क्रेडिट मेंशन कीजिए। विजय के कॉलम में कोई हमारा दोनों अमाउंट सेम है, अनिल के कॉलम में हमारी डेबिट साइड ज्यादा है 550 रुपीज से, तो डेबिट मेंशन कीजिए। अब आपको जनरल एंट्री करनी है, तो जनरल एंट्री होगी इसकी अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, 550 डेबिट साइड आएगा, 550 क्रेडिट साइड आएगा। ये जनरल एंट्री हमने किस बेसिस पे की है, जो आपका ये अमाउंट आया था ना 550 क्रेडिट और 550 डेबिट, इसी की बेसिस पे हमने जनरल एंट्री की है। अब इसकी एडजस्टमेंट जो होगी वो होगी द एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द ओमिशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, ये आप एडजस्टमेंट नरेशन मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।